एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन स्टेप अप टेक। आज आप सब लोग यहां पर मेडिकल बिलिंग का लाइव वेबिनार अटेंड करने आए हैं। तो मेडिकल बिलिंग का लाइव डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले, आप जिस इंस्टीट्यूट पे ये मेडिकल बिलिंग का फर्स्ट डेमोंस्ट्रेशन अटेंड करने हैं, उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है क्या, वहां पर क्या क्या चीजें करवाई जा रही हैं, आपको ये कोर्स किस तरह करवाया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी, देन ही आप अच्छे से सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम। स्टेप अप का अगर हम स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट सा इंट्रो देखें, तो बेसिकली स्टेप अप एस्टैब्लिश्ड बाय मैम किंजा मूसा इन नवंबर 15th 2020। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म को लास्ट मंथ 2 ईयर्स हो गए हैं, और इस प्लेटफॉर्म को जिसने इस्टेब्लिश किया था मैम किंजा मूसा, जो नेक्स्ट आज के मेडिकल बिलिंग के डेमोंस्ट्रेशन को कंटिन्यू भी करेंगे, और सर अशरफ भी नेक्स्ट मेडिकल बिलिंग के इस डेमोंस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टेप अप के बेसिकली जो मेन पाथ फाइंडर्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैम किंजा मूसा जो स्टेप अप में एज अ सीईओ फाउंडर एंड डायरेक्टर वर्क कर रही हैं, एमडी सर हसनैन शाह साहब हैं, और डायरेक्टर सर अशरफ हैदरी हैं, जो नेक्स्ट अभी डेमोंस्ट्रेशन में आपसे बात भी करेंगे। मेन जो चीज यहाँ पर आ जाती है, व्हाट इज स्टेप अप टेक। बेसिकली स्टेप अप टेक है क्या, यहाँ पर क्या चीजें करवाई जा रही हैं, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर स्टेप अप बेसिकली एक ओवरऑल डिजिटल स्किल्स के ऊपर एक इंस्टीट्यूट है। ये नहीं आप कह सकते कि स्टेप अप में सिर्फ फ्रीलांसिंग की स्किल्स सिखाई जा रही है, स्टेप अप में सिर्फ ई कॉमर्स स्किल्स सिखाई जा रही है। बेसिकली स्टेप अप एक ओवरऑल डिजिटल स्किल्स के ऊपर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हर तरह की स्किल्स, डिजिटल स्किल्स सिखाई जा रही है। ये इस टाइम पर जो आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, यहाँ पर कंप्लीट हमारी वेबसाइट है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको लिंक्स भी चैट बॉक्स में भी मिल जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट को जब विजिट करेंगे, तो आपको कोर्सेज से रिलेटेड, हमारी सर्विसेज से रिलेटेड हर तरह की यहाँ पर कंप्लीट आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारी कंप्लीट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे विजिट कर सकते हैं। स्टेप अप टेक का अगर देखा जाए, तो स्टेप अप टेक बेसिकली एक डिजिटल, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान में स्टेप अप को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, स्टेप अप को बेसिकली पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हमारे आउट ऑफ कंट्री के भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। कोई भी एक इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी एक कंपनी होती है, उसका एक मेन मोटिव, उसका मेन एक एम जरूर होता है। स्टेप अप का बेसिकली जो मेन एम है, जो मेन मोटिव है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। जैसे आजकल लोगों के पास डिग्रीज अवेलेबल है, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, तो वो लोग किस तरह अपनी इन डिजिटल स्किल्स को सीख कर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एक हाउसवाइफ है जो फिजिकली जॉब करके अपनी अर्निंग नहीं कर सकती, या फिर कोई भी एक पर्सन है, जॉब होल्डर पर्सन है, जो पार्ट टाइम अपनी इनकम को मजीद इंक्रीज करना चाहता है, या एक कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, वो अपनी ये डिजिटल स्किल्स सीख कर वो अपनी अर्निंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ पर गाइड की जाती हैं। सिर्फ स्किल्स प्रोवाइड नहीं की जाती, एक लर्निंग पॉइंट से लेकर अर्निंग पॉइंट तक कंप्लीट गाइडलाइंस दी जाती है, क्योंकि स्किल सीखना एक चीज होती है, उस स्किल के थ्रू अपनी अर्निंग स्टार्ट करना सेकेंड चीज होती है। तो ये चाहे वो वेब डेवलपमेंट का है, ग्राफिक्स का है, मेडिकल बिलिंग का है, या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग का है, खुद से सीखना नहीं चाह रहा, डायरेक्टली अपना वर्क करवाना चाहता है, तो हर तरह की यहाँ पर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी जितने भी हमारे चाहे वो यूट्यूब चैनल है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर सर्च कर लें स्टेप अप टेक, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, काफी आपको जैसे स्टेप अप टेक के बारे में बता दिया गया कि स्टेप अप टेक ना सिर्फ जो है वो डिजिटल स्किल्स का इंस्टीट्यूट नहीं है कि जिसमें आप सिर्फ कोर्सेज करवाया जाता है, इसमें आपको डिफरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं जो ई कॉमर्स के रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है लेकिन वो उनके पास रेफरेंसेज अच्छे हैं, उनके पास काम है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस चाहे उनका एजुकेशन के रिलेटेड है, उनका कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है, उनका कोई खुद का बिजनेस नहीं है लेकिन वो खुद बिजनेस जनरेट करना चाह रहे हैं, या दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, या वो लोग जो अपनी पार्लर का कह लें, सलोन, बार्बर शॉप, रेस्टोरेंट्स, डॉक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब कुछ। अब हमारा जो टॉपिक है मेन, वो हमारा टॉपिक है बेसिकली मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड, ठीक है। मेडिकल बिलिंग आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अमेज़न का ट्रेंड भी आपको पता है कि ये तो ना रुकने वाला है, लेकिन अमेज़न से भी ज्यादा थोड़ा सा ये काम तेज पकड़ रहा है पाकिस्तान में मेडिकल बिलिंग का,
ठीक है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, आउट ऑफ कंट्रीज में जितने भी लोग देख लें, या वो लोग जो कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस जानते हैं, जिन लोगों को पता है कि मेडिकेयर हो गई, ये बहुत सारी कंपेन्स होती हैं जिस पे लोग वर्क कर रहे होते हैं, बेसिकली के इंश्योरेंस के साथ रिलेट वर्क है, ठीक है। मतलब इसके अंदर इसका क्या स्कोप है, इसमें कौन से लोग आ सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली आपको सादा और आसान अल्फाज में इसका मकसद है कि आप डॉक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने का मकसद क्या है कि आप यूएसए यानी कि अमेरिका बेस्ड के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं उसकी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, चाहे वो कोई प्रोवाइडर है, चाहे वो हेल्थ केयर फिजिशियन है, चाहे कोई वो गायनाकोलॉजिस्ट है, बच्चों का डॉक्टर है, बड़ों का डॉक्टर है, बूढ़ों का डॉक्टर है, ठीक है, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन बैठ के। पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा काम इन है, दुबई के मतलब इन है, और जहां जहां यहाँ पे ये सर्विसेज मौजूद हैं डॉक्टर्स की, तो वहां पे फिजिकली काम भी मौजूद है। अब होता क्या है कि यूएसए के डॉक्टर्स, ठीक है, और दुबई के डॉक्टर्स, यूएसए के बाद अब दुबई में भी ये काम चल पड़ा है, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं कि ये जितनी भी बाहर की कंट्रीज होती हैं ये इंश्योरेंस बेस्ड होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग इंश्योरेंस के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाते। अब ये बात बहुत गौर से सुनिएगा कि वो लोग जो मतलब किसी ना किसी चीज से रेफरेंसेस में होंगे, उनको आइडिया हो जाएगा कि उनके लिए काम कितना सूटेबल है, क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप जब इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो उनकी किसी ना किसी के साथ लिंक हुआ होता है। अब डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर के पास एक मरीज आता है, ठीक है, अब वो मरीज की एक मेंबरशिप आईडी होती है, वो जिसने इंश्योरेंस से प्लान खरीदा हुआ होता है, ठीक है। अमेरिका के अंदर तो ये काम है कि आप इंश्योरेंस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो डॉक्टर के पास जो बंदा आता है उसकी इंश्योरेंस ऑलरेडी हुई होती है, तो उसका सारा बिल किसने पे करना होता है, इंश्योरेंस ने पे करना होता है, ठीक है। तो डॉक्टर ये काम एक मेडिकल बिलर को अपने पास हायर करवा के करता है, कि जो डॉक्टर के पास एक मरीज है वो विजिट करने के लिए आया है, ठीक है, उसने उसको डॉक्टर ने क्या दवाई रिकमेंड की है, उसको क्या डॉक्टर ने चीज बताई है, उसके मेडिकल के चेकअप के कितने पैसे लगे हैं, आया उसका इमरजेंसी का केस है, वो ऑब्जर्वेशन में है, तो वो सारा काम कौन हैंडल करता है, वो एक मेडिकल बिलर करता है। मेडिकल बिलर वहां पे फिजिकली बैठ के भी डॉक्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, अगर अमेरिका में से जो बंदे देख रहे हैं या जिनके रेफरेंसीज हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी डॉक्टर्स को पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें चार तरह के काम होते हैं, एक होता है आपका काम बिलिंग का, एक काम होता है आपका एआर फॉलो, आप इसी में आ जाता है, आपकी क्रेडेंशियल्स का काम होता है, और आपकी कोडिंग का काम होता है, ठीक है। अब बेसिकली जब आप डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के पास जो क्लेम बनता है, ठीक है, उस क्लेम जो भी उस बंदे की पूरा उसका पैकेज बना है कि भाई इतने $100 का काम हुआ है, तो $100 के अंदर वो क्लेम आपने कोडिंग की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है, जिसको हम मेडिकल कोडिंग बोलते हैं, तो आपने इंश्योरेंस कंपनीज को वो क्लेम भेजना होता है, और वो क्लेम भेज के फिर आप उसको फॉलो अप करते हो, ठीक है। आपके पास डिफरेंट टीम होती है, यानी कि किसी की एक्सपर्टीज एआर फॉलो अप के अंदर ज्यादा अच्छी होती है, किसी की बिलिंग में अच्छी होती है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो क्रेडेंशियल्स और एआर फॉलो के सिस्टम में आ जाता है, कुछ लोग पेमेंट पोस्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं। इन शॉर्ट आप आसान और सादे अल्फाज में सिर्फ इतना समझें कि आपने डॉक्टर्स को सर्विसेज देनी है, और वहां पे जितने भी लोग मरीज उसके पास आते हैं उसके सारा डाटा आपने उठा के किसको दे देना है, आपने दे देना है इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है, और वहां से आपने पैसा डॉक्टर को देना, और डॉक्टर ने आपकी जो भी फीसिस या आपको इस बेस पे जो सैलरीज रिकमेंड की होती हैं वो आपके पास आपको मिल जाती हैं, पाकिस्तान में बैठ के भी, और अगर आप फिजिकली बैठे वहां पे भी, ठीक है। अब इन शॉर्ट के इसका स्कोप क्या है मेडिकल बिलिंग का, आपको मैंने बताया कि यूएसए के अंदर काम भरा पड़ा है, आए दिन डॉक्टर्स आते हैं, और ये ना काम रुकने वाला है, इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, मरीजों की तादाद लगती रहती है, डॉक्टर्स का काम सदाबहार है, उसको एक अच्छे मेडिकल बिलर की जरूरत होती है, मेडिकल बिलर की जरूरत होती है, मेडिकल बिलिंग कंपनीज की जरूरत होती है जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। इसकी मेन रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है कि आपके पास पीसी होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास मोबाइल है, कि आप किसी भी जगह पे बैठ के, अगर आप ऑनलाइन ये क्लासेस ले रहे हैं तो आपके पास सिर्फ मोबाइल ही हो जाए तो आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर मोबाइल भी है ना तो भी आप मेडिकल बिलिंग की क्लासेस ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जिस भी कंपनी के साथ आप जाके काम करेंगे या जिस भी जगह पे, तो वहां पे डॉक्टर, वहां पे आपको लैपटॉप खुद प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे सारा डाटा होता है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह अटैच होते हैं, कुछ कंपनीज आपको खुद प्रोवाइड करती हैं, और अगर आपके पास वर्क फ्रॉम होम आ जाता है जिसमें आप फिजिकली जाने के बजाय घर में बैठ के ये काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास लैपटॉप होना मस्ट है, क्योंकि बगैर लैपटॉप के आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते, और वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट किस्म के होते हैं, जिसके अंदर एक कैरियो सॉफ्टवेयर आप कह लें, ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर कह लें, जहां पे डाटा डॉक्टर का सारा मेंटेन होता है, जहां पे एक डॉक्टर के पास मरीज आता है, फिर वहां से आपने इंश्योरेंस कंपनीज को क्लेम कैसे सबमिट करवाने, ये सारा इंश्योर काम आप डाटा एंट्री का भी समझ सकते हैं, बट ये सारा काम सीखने के लिए आपको मेडिकल बिलिंग आनी चाहिए, और डेट्स वाई मेडिकल बिलिंग सीख के आप मेडिकल बिलर बनते हैं।
हैं, ठीक है। इसका एडवांस लेवल मेडिकल कोडर होता है, वो जो लोग फार्मेसी का नॉलेज रखते हैं, वो लोग जो डॉक्टर्स हैं जिन लोगों का अच्छा डिप्लोमा है इसके अंदर, वो मतलब मेडिसिन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो सीपीटी कोर्स के अंदर कन्वर्ट करके आपने देना होता है, जिसको हम करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट कि ये सारा काम जो होता है एक मेडिकल बिलर का होता है। इसका जॉब क्राइटेरिया ये है कि आपको बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो आपको इंटर्नशिप भी करवा देते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप ऐसे है कि लाइक कुछ मेडिकल बिलिंग कंपनीज के पास प्रैक्टिसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। इसमें जो काम मिलता है ना डॉक्टर का, उसको हम प्रैक्टिसेस बोलते हैं। प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होती हैं बेसिकली, तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने पास इंटर्नीज हायर करते हैं, उनको खुद मतलब कि वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे देते हैं, यानी अपने सॉफ्टवेयर पे बिठा के। बट इन शॉर्ट ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको या तो फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करना होता है सीख के, ताकि आप इतने अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्लियर कर सकें, ताकि आपको वो जॉब जो है जाके मिल सके। तो स्टेप अप टेक के पास आपको ये कोर्स करने का बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर हम आपको थ्रेटिकली कंप्लीट मेडिकल बिलिंग के बारे में गाइड करते हैं कि इसमें कैसे काम किया जाता है, व्हाट इज सीपीटी कोर्स, व्हाट इज आप कह सकते हैं कि डीही पाला क्या होता है, बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी लाइव क्लास प्रैक्टिकल जो होती है वो होती है आपकी सॉफ्टवेयर की, कि आपने जब ये चीज सीख ली है तो आपने ये सॉफ्टवेयर पे पुट कैसे करनी है, तो वो आपका जो ट्रेनर होता है वो आपको लाइव स्क्रीन शेयर करके हर चीज बताता है कि ऐसे 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 सॉफ्टवेयर भी आपके पास आते हैं, और इस तरह आप इस तरह करके ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर जो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप खुद के डॉक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हो, आप खुद किस किस जगह पे जाके अच्छे क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हो डॉक्टर्स के, उसके लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म अपवर्क है। उसके अलावा आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास जीमेल्स मार्केटिंग है, आपके पास व्हाट्सएप मार्केटिंग है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप डायरेक्टली डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स कभी भी आपके पास डायरेक्टली आके आपको काम नहीं देंगे, ये भी आपको एक मैं पॉइंट बता दूं, या आपको कोई भी नहीं बताएगा। उसकी रीजन ये है कि आपके पास एक कंपनी होना बहुत जरूरी होती है, वो कंपनी पाकिस्तानी बेस्ड हो या यूएसए बेस्ड हो। तो हमारा द्वारा डेफिनेटली ऑलरेडी स्विफ्ट एमबी सॉल्यूशन जो है वो डॉक्टर्स को प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास ड्यूरिंग कोर्स के में भी डॉक्टर्स अगर आपके पास रीच आ जाती है, ठीक है, या आप डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके पास अगर डॉक्टर की प्रैक्टिसेस आ जाती है, आप हमारे इदारे के साथ जुड़ के उनको प्रैक्टिसेस जो है उस प्रैक्टिस पे वर्क कर सकते हैं। और इन शॉर्ट के आपको इंटरव्यूज क्लियर करना सिखाया जाता है कि कैसे आप जो है वो किसी के पास जाके कैसे इंटरव्यूज क्लियर करेंगे, उसके लिए बेसिक क्वेश्चन कौन से होते हैं, आपकी किस चीजों पर ज्यादा ग्रिप होनी चाहिए, और इस टाइम मार्केट के अंदर किस चीज का ज्यादा मेडिकल बिलिंग में काम चल रहा है, ठीक है। कोडर्स की डेफिनेटली जरूरत होती है, कोडर एक टाइम में एक प्रैक्टिस पे इनफ होता है। तो अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, बिलिंग और एआर डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो आपका ये कोर्स बेसिकली स्टार्ट यहीं से होता है, और मेडिकल बिलिंग की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास होना मस्ट है। इसके लिए आपकी इंग्लिश का अच्छा होना भी जरूरी है, तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, सो डोंट वरी, स्टेप अप टेक आपको स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स करवा रहा है, जिसके अंदर आप गुरुओं के साथ बातचीत कर सको। जैसे आप ईआर का अगर डिपार्टमेंट का काम संभालोगे, पेमेंट पोस्टिंग करोगे, ठीक है, उसमें किसी किस्म के क्लेम्स डिनाइल्स आ जाते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको इंश्योरेंस कंपनी से बात करना पड़ती है, तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो आपको इसी फील्ड के अंदर प्रमोशन भी मिलती हैं, और आप अच्छी हैंडसम सैलरी पैकेजेस पे आ जाते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट होती है वो 35K टू 50K, 50K टू 70K, 72K टू 80K, और इवन कि आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो विद इन 1 ईयर 2 ईयर, तो आप अपनी लाखों के अंदर भी अर्निंग कर सकते हो। और आपके पास ड्यूरिंग ये 100% श्योरिटी होती है कि जब आप मेडिकल बिलिंग में काम कर रहे होते हैं, देन आपके पास डॉक्टर्स लाजमी आपको अप्रोच आप कर सकते हैं, और आपके पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप खुद की भी एक मेडिकल बिलिंग कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सके। इन शॉर्ट कि आप किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी सिटी से हैं, आप मेडिकल बिलिंग जरूर सीखें, और इसका वर्क फ्रॉम होम अपवर्क से आप ले सकते हैं। और अगर आप अपवर्क से आपको मिल जाता है, वेल एंड गुड, अगर आपको अपवर्क से नहीं मिलता, तो आप अगर फिजिकली आपके कंट्री में आपकी सिटी के अंदर वो चीज मौजूद है, तो आप उनके साथ रहा। तो अब आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगी वो आप पूछिएगा, हमारे लाइव सेशंस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकल आपकी हमारी जो है वो लाइव क्लासेस होंगी, यक्कम से हमारा रेगुलर बैच चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है वो 10वां बैच होगा मेडिकल बिलिंग का, ठीक है, जिसमें हम विद अलॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी लाइफ टाइम की मेंटोरशिप है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम आफ्टर कोर्स भी गाइड करेंगे अगर आपको हमारी किसी किस्म की हेल्प की जरूरत होती है। और आपको कंप्लीटली थ्रेटिकली पीपीटी की फॉर्म में हर चीज प्रोवाइड की जाती है, आपकी रिकॉर्डिंग्स, आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप जितनी चाहे पूछें पूछ सकते हैं, ठीक है। आप आगे मुझे लगता है आपका नेट इशू ठीक हो गया, तो काइंडली अब आप स्टार्ट लें। और
जी मैम, आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो पूछें ताकि मैं उसके रिलेटेड को आंसर दे सकूं।